चिंता, हाई चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता और सबकी चिंता। ये तो हम सब जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, फिर भी चिंता सबको होती है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप अपनी चिंता का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यस, आप अपनी चिंता का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, वो भी चार तरीकों से। क्योंकि चिंता करना सामान्य है, इससे हम बच तो नहीं सकते, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। अगर आप भी चिंता और तनाव में रहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला। सबसे पहले बात करूँगा कि जो आज का समय है उसमें संभावित खतरों और नकारात्मक परिणामों के चलते तनाव और चिंता का होना बहुत नॉर्मल हो गया है। लेकिन इस तनाव में खो जाने के अपने जोखिम भी हैं। हम में से बहुत से लोग तनाव में हैं, चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम इस चिंता को अपने मोटिवेशन स्ट्रेटजी और प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, ध्यान से समझना, हम अपनी चिंता को अपने मोटिवेशन स्ट्रेटजी और प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर साइकोलॉजिस्ट लीजा बेथ रोमर भी कहती है कि चिंता करना सामान्य है, और हम भी यही कहते हैं। लेकिन चिंता में आगे की प्लानिंग और खुद को मोटिवेट करने की गुंजाइश होनी चाहिए, ऐसी चिंता हमारे काम की हो सकती है। लेकिन इसका उल्टा, सिर्फ चिंता करने और ऐसी चिंता जिसमें हम सोचना बंद कर देते हैं, ये उतनी ही खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमें अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखकर चिंता का लाभ उठाना होगा। मतलब कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहकर हम अपनी चिंता का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक्सपर्ट भी कहते हैं कि लोग चिंता के दौरान किसी चीज़ के सभी पहलुओं को समझने में अपना 100% देते हैं। और इसको आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप चिंता या तनाव में होते हैं तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, चिंता हुई है, आप उसके सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। और जो चिंता का फ़ायदा उठाने का जो पहला तरीका है वो है कि अपनी चिंताओं को स्वीकार करें। मतलब कि आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगा अपनी चिंताओं को। काम हो या पढ़ाई, करियर हो या बिजनेस, चिंता इन सब में होती है और सबको होती है। और इस समय थोड़ी ज़्यादा होने लगी है क्योंकि समय थोड़ा क्रिटिकल है। लेकिन तनाव, स्ट्रेस और चिंता, वरीज, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान से समझना, तनाव यानी स्ट्रेस, चिंता यानी वरीज, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तब आप चिंता करते हैं तब आपकी आशाएं बनी रहती है, लेकिन जब आप चिंता के दौरान नए रास्ते, प्लान, स्ट्रेटजी की खोज में होते हैं तो आप इसी चिंता में अपनी आशा खो देते हैं और यह तनाव में बदल जाती है। इसलिए चिंता करें क्योंकि ये सामान्य है, लेकिन आशा ना छोड़े, उम्मीद ना छोड़े। उसके बाद में दूसरा जो है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं चिंता का, चिंता से डरें नहीं, बस एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। चिंता को आपको स्वीकार करना होगा, डरना नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, सबके साथ होती है। बस एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना। उसके बाद में तीसरा जो है वो है कि हमेशा चिंता ना करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 24 घंटे सातों दिन चिंता करने में लगे रहते हैं। तो भाई, थोड़ा मुस्करा लीजिए, थोड़ा हंस लीजिए, थोड़ा अच्छे वीडियोस देख लीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। चिंता को स्वीकारिए और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखकर 24 घंटे चिंता ना करें। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक साथ कई चीज़ों की चिंता ना करें। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो एक साथ कई सारी चीज़ों की चिंता करते रहते हैं। उससे क्या मिलता है, आपको मेंटली और फिजिकली आपको नुकसान नहीं पहुँचता। इसलिए आप पहले चिंता को स्वीकार करें, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करें और 24 घंटे चिंता ना करें और एक साथ कई चीज़ों की चिंता ना करें। जीवन में जो भी चिंता आती है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, सामान्य है, बस इस सामान्य चीज़ को सामान्य बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प किया होगा, और दोस्तों की भी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से बेहतरीन वीडियो में नए विचार के साथ। जब तक के लिए लव यू, टेक केयर।